मुंबई में प्रजापति सेवा संघ द्वारा डॉक्टर संजीव कुमार प्रजापति का स्वागत सम्मान समारोह बड़े ही धूमधाम से किया गया। वहीं इस दौरान संस्थापक रवि वर्मा कार्यक्रम में उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रजापति ने डॉक्टर संजीव प्रजापति का पुष्प गुच्छ और शॉल उड़ाकर स्वागत करते हुए कहा कि समाज और देश में डॉक्टर संजीव जैसे युवा नेता की जरूरत है। आज डॉक्टर देश और समाज के प्रति समर्पित हैं, समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करते हैं। इनका कार्य ही इनकी एक अलग पहचान बनाती है। संस्थापक रवि वर्मा ने कहा कि एक मिशन रत्नप्पा कहार के पद पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजीव ने पूरे देश में रत्नप्पा के नाम का विस्तार कर रहे हैं और साथ ही साथ समाज का भी नाम रोशन करने का कार्य कर रहे हैं। सभी पदाधिकारियों ने भारतीय समता समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार प्रजापति का भव्य रूप से सम्मान और स्वागत किया। डॉक्टर संजीव ने सभी का धन्यवाद करते हुए आभार प्रकट किया। उनका कहना है कि मैं समाज और देश में गरीबों की लड़ाई निरंतर लड़ता रहूंगा। मेरे शरीर के रक्त का एक एक कतरा समाज और देश के लिए समर्पित है। कार्यक्रम में शामिल बाबा प्रजापति ने कहा कि हम समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाते हैं। समाज के किसी भी गरीब पर हम कोई अत्याचार व अन्याय नहीं होने देंगे। समाज में राजनीतिक चेतना जगाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मास्टर राजेश प्रजापति, कोषाध्यक्ष बाकेलाल प्रजापति महेंद्र, भारतीय समता समाज पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी नीलेश प्रजापति, धर्मराज जनार्दन, महेंद्र चंदन, सलाहकार रमेश मंगला प्रसाद सहित सैकड़ों की संख्या में प्रजापति समाज उपस्थित रहे।